Question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius is 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cube centimeter of iron has approximately 8 gram mass. पाई है उसकी वैल्यू 3.14 यूज करनी है हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो देखते हैं. एक सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट है सिलेंडर की शेप में हमारे पास, जिसकी हाइट है वो हमारे पास 220 सेंटीमीटर है. इसका जो ये डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक तो ये रेडियस है, डायामीटर है वो 24 सेंटीमीटर गिवन है. विच इज सरमाउंटेड बाई अनोदर सिलेंडर ऑफ हाइट, और इसके ऊपर एक अनोदर सिलेंडर है वो सरमाउंटेड है, जिसकी हाइट है वो 60 सेंटीमीटर और रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है. हमें मास है वो फाइंड आउट करना है पोल का. जब 1 क्यूब सेंटीमीटर है उसका रेट जो मास गिवन है वो है 8 ग्राम. तो हमें जो गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो राइट डाउन करते हैं हम. इसमें ये फर्स्ट सिलेंडर है, इसको फर्स्ट सिलेंडर और इसको हम सेकंड सिलेंडर है वो अज्यूम करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर लिखते हैं. रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर है 12 सेंटीमीटर. हाइट हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर है 220 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है. सेकंड में हम क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर, रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर है वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर है 60 सेंटीमीटर. हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जो गिवन है वो वैल्यू पुट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे हम फर्स्ट सिलेंडर का. वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू हमें गिवन है कि हमें 3.14 है वो पुट करनी है. पाई इक्वल टू 3.14 ये वैल्यू हमें पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14. आर है फर्स्ट सिलेंडर का, आर है हमारे पास 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 और एच है वो हमारे पास 220. 3.14 मल्टीप्लाई 144 मल्टीप्लाई 220. जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 99,475.2 और क्यूब सेंटीमीटर. तो फर्स्ट जो हमारे पास सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आ जाएगा दिस. अब निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ ए सेकंड सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू 3.14 आर. आर है सेकंड सिलेंडर की हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8. हाइट है वो हमारे पास है 60. जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12,057.6 क्यूब सेंटीमीटर. ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए सेकंड सिलेंडर आ जाएगा. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है हमें. टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर है 99,475.2 प्लस में सेकेंड का हमारे पास 12,057.6। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1,11,1532.8। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास क्यूब सेंटीमीटर। गिवन हमारे पास मास ऑफ ए 1 क्यूब सेंटीमीटर, गिवन है मास ऑफ 1 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ आयरन 8 ग्राम। अब हमें निकालना किसका है, हमें मास निकालना है दिस, तो यहां निकालेंगे हम मास ऑफ 1,11,532.8 क्यूब सेंटीमीटर ऑफ आयरन। 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो ये आएगा 1,11,532.8 × 8 = आएगा हमारे पास 8,9,8,9,2,62.4 ग्राम। ये हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ दिस। फाइनल ग्राम या केजी में, सॉरी केजी में आएगा, जब सोल्व करेंगे तो इसको हम, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। जब इसको केजी में चेंज करेंगे ना तब इसमें डिजिट है वो हमारे पास है, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे हम 1000 से तो ये इसकी यूनिट है वो चेंज हो जाएगी और ये आ जाएगा हमारे पास है। जब केजी में इसको चेंज करेंगे तो 89,2.260 kg, क्योंकि जब नीचे 3 डिजिट है, 3 0 है हमारे पास, तो डिजिट है वो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, और 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा तो 892.2624 kg। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 13.2। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज ऑफ द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट है वो हमारे पास 120 सेंटीमीटर है। फिर इसमें है रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर का टॉप है जिसकी रेडियस है यहाँ से ये हमारे पास गिवन है 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर, और जो ये हमारे पास हेमिस्फीयर है और कोन है ये एक राइट सिलेंडर की शेप में जो हमारे पास जो वाटर है उस प्लेस के अंदर फिट किए गए हैं जो कि इसके सिलेंडर के बॉटम को टच करते हैं। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, अगर हम इस सिलेंडर शेप में कोन और स्फीयर अगर इसके अंदर डालते हैं तो जो ये सिलेंडर पानी का भरा हुआ है वो इसमें कितना पानी बचेगा, जबकि रेडियस ऑफ सिलेंडर हमारे पास गिवन है 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है हमारे पास 180 सेंटीमीटर।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो राइट डाउन करेंगे हम. हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर वो गिवन हमारे पास है 60 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है हमारे पास, हाइट ऑफ ए सिलेंडर 180 सेंटीमीटर. और हमारे पास इसमें गिवन क्या है, हाइट ऑफ ए कोन दे रखी है, हाइट ऑफ ए कोन वो हमारे पास है 120 सेंटीमीटर. और हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस जो हेमी स्फीयर और कोन की, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमी स्फीयर है वो हमारे पास गिवन है 60 सेंटीमीटर. जो गिवन है वो हमने लिख लिया. अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सिलेंडर का निकालेंगे, कोन का निकालेंगे और हेमी स्फीयर का निकालेंगे. हेमी स्फीयर और जो हमारे पास सिलेंडर, सॉरी हेमी स्फीयर और कोन है, इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और सिलेंडर के जो वॉल्यूम में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ लिखते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे हम क्या, वॉल्यूम ऑफ ए, हमें वॉल्यूम निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. तो क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर. कोन और हेमी स्फीयर के वॉल्यूम को ऐड करेंगे और सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर आएगा जो कि सिलेंडर में लेफ्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच. पाई की वैल्यू है वो पुट करेंगे हम 22 और क्वेश्चन को फिर सोल्व करेंगे. पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर है सिलेंडर की हमारे पास 60 मल्टीप्लाई 60, एच है वो हमारे पास है 180. इनके नीचे हम 1 1 ले सकते हैं, तो कोई भी नंबर किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा यानी कट नहीं रहा, तो ये आएगा 22 × 66 × 66 360 × 180 / 7. जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 22 36, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14,256. 1 2 3 और 3 0 है वो इसके पीछे लगाएंगे, डिवाइडिंग बाई 7. जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7 से 20 3657.14 cm³. ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर. अब निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारे पास 1/3 πr²h. वॉल्यूम ऑफ कोन की वैल्यू पुट करते हैं 1/3, पाई इज 22/7 आर. कोन का जो आर है हमारे पास वो है 60, तो 60 × 60, हाइट है वो कोन की 120 × 120, 3 से कैंसिल 40 पे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 22 × 60 × 60 = 3600 × 40 / 7.
22 और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 880 मल्टीप्लाई 3600 डिवाइडिंग बाय 7। इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 31 68 00 डिवाइडिंग बाय 7। 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 45,257.14 क्यूब सेंटीमीटर। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए कोन आएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इनको लिख लूंगी और इसको एरिया में स्पेस बनाने के लिए इसको रफ करूंगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने यहाँ लिख लिया है ये, और वॉल्यूम ऑफ कोन है हमारे पास ये। निकालने का मैंने पहले फॉर्मेट बता दिया है, अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³। जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है वो पुट करेंगे यहाँ पे 2/3 π π 22/7 r। आर है वो हमारे पास है 60, तो 60 मल्टीप्लाई 60 थ्री टाइम्स, 3 से कैंसिल करेंगे ये 20 से, 22 जो होता है हमारे पास 44, और 44 की इससे करेंगे तो ये आएगा 880 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 इज 3600 डिवाइडिंग बाय 7। ये आ जाएगा हमारे पास सेम वही जो हमने वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला था, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 31 68 00 डिवाइडिंग बाय 7, तो यहाँ आएगा हमारे पास 45,257.14 क्यूब सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन है वो दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्वल आएंगे। अब हमें जो फाइंड आउट करना था वो था वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे और इन दोनों को हम ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, By measuring the amount of water it holds, a child found its volume to be 345 cube centimeter. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement at pi equal to 3.14. हमारे पास गिवन है एक स्पेरिकल ग्लास वेसल, हमारे पास गिवन है जो ये नीचे दे रखा है स्पेरिकल, हमारे पास एक वेसल है इसके ऊपर जो इसकी नेक है वो सिलेंडर की शेप में गिवन है। इस नेक की जो लेंथ है सिलेंडर की वो 8 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ दिस नेक इज 2 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ दिस स्पेरिकल पार्ट या वेसल इज 8.5 सेंटीमीटर गिवन है। किसी ने इसका मेजरमेंट किया है, किसी चाइल्ड ने, और उसका वॉल्यूम है वो फाइंड आउट किया 345। तो हमें बताना है कि जो चाइल्ड द्वारा इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया गया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखेंगे, द वॉल्यूम लिख लेते हैं पहले हम। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉल्यूम ऑफ वेसल गिवन है, जो हमारे पास गिवन वॉल्यूम ऑफ वेसल वो हमारे पास कितना है 345 क्यूब सेंटीमीटर। और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलेंडर लिख सकते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर है वो इसका 2 दे रखा है, डायमीटर का हाफ होता है हमारे पास रेडियस, तो 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी,
हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है वो हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, या विशल इज, डायमीटर गिवन है 8.5, तो रेडियस है वो क्या हो जाएगा इसका हाफ, और पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 10, यानी हम लिख सकते हैं 85/20 सेंटीमीटर, वो क्या हो जाएगी इसकी रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 3.14 पुट करनी है हमें, तो 3.14 आर, आर है वो हमारे पास 1 का स्क्वायर इज 1 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट है वो भी हमारे पास इसमें गिवन है सिलेंड्रिकल पार्ट की 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ लिखते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 8, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.12 क्यूब सेंटीमीटर द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट। नाउ वी फाइंड दैट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इज 3.14 आर, वॉल्यूम ऑफ आर रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट हमारे पास 85/20 थ्री टाइम्स लिखना है हमें 85/20, सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे आंसर, इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे तो ये आएगा हमारे पास 100, कैंसिल करते हैं इसको 5 से, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 5 से 17, 5 से 4, 5 से 17 और 5 से ये 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2, 2 जा 2 से 157, यहाँ आएगा हमारे पास 157 मल्टीप्लाई 17 289 मल्टीप्लाई 17, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 157 मल्टीप्लाई 289 मल्टीप्लाई 17 डिवाइडिंग बाई 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 100, तो ये आएगा 77 1341 / 8 3 24 मल्टीप्लाई 100, जब 7,71,341 को 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 32,139.20, नीचे हमारे पास रहेगा 100, 100 लगाएंगे तो 2 डिजिट के आगे हमारा पॉइंट लगेगा, तो यहाँ आएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट है वो 321.39 वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल पार्ट, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ ए ग्लास वेसल, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल का गिवन भी हमारे पास, उससे कंपेयर करना है कि हमारे पास जो आया हुआ वो ठीक है या नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ ए वेसल भी लिख सकते हैं ग्लास वेसल, तो दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर या सॉरी स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हमारे पास कितना है 25.12 प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारे पास है 321.39, जब हम इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 9 और 2 11
फोर और एक ये फाइव, पॉइंट सिक्स फोर थ्री, यानी कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली है वो इसके नियरेस्ट आ रहा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ये आएगा क्यूब सेंटीमीटर। इट्स मीन जो हमारे पास फाइंड आउट है वॉल्यूम ऑफ वेसल वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इसके नियरेस्ट है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इट इज करेक्ट, जो गिवन है हमारे पास है वो करेक्ट हो जाएगा, यही हमें इसमें फाइंड आउट करना था।